जय शुकी, मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तास एशिया की हिंदी सर्विस। कलिसई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलिसई समाचारों में प्रमुख है, पोप फ्रांसिस ने कहा न्याय व शांति द्वारा आर्थिक अंत विरोधों को दूर करना होगा। पोप फ्रांसिस द्वारा दुर्व्यवहार व नौकरी संकट से आहत के लिए प्रार्थना। इथियोपियाई अधिकारियों ने कुछ सेल्सियन मिशनरियों को रिहा किया। बुर्किना फासो में चरमपंथी हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए। SCS ने 5 मिलियन यूरो की परियोजना को मंजूरी दी। गुड़गांव में गुरुद्वारे ने मुसलमानों को नमाज के लिए खोला अपना द्वार। डॉन बोस्को के सेल्सियन ने युवाओं से आशा के बारे में लघु फिल्में बनाने के लिए कहा। झाबुआ के आदिवासी ईसाइयों पर आस्था छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RBI मोबाइल ऐप। RBI मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाइयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RBI मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस ने कहा न्याय व शांति द्वारा आर्थिक अंत विरोधों को दूर करना होगा। संत पिता फ्रांसिस ने विभिन्न राष्ट्रीय धर्माध्यक्षों के सम्मेलन के न्याय और शांति आयोग की एक ऑनलाइन बैठक में भाग लेने वालों से समाज को COVID-19 महामारी द्वारा प्रकट आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों में अंत विरोधों को ठीक करने में मदद करने का आग्रह किया। समग्र मानव विकास को बढ़ावा देने हेतु बने परम धर्म पीठे विभाग ने राष्ट्रीय कैथोलिक धर्माध्यक्ष सम्मेलन के न्याय और शांति आयोग के लिए 2 दिवसीय ऑनलाइन सम्मेलन की मेजबानी कर रहा है। 17 से 18 नवंबर तक चलने वाला यह आयोजन कोविड महामारी के बाद की दुनिया में मानवता के सामने आने वाली चुनौतियों और संभावनाओं पर केंद्रित है। पोप फ्रांसिस द्वारा दुर्व्यवहार और नौकरी संकट से आहत लोगों के लिए प्रार्थना। संत पिता फ्रांसिस ने दुर्व्यवहार के शिकार लोगों की रक्षा करने के कर्तव्य को याद किया, क्योंकि 18 नवंबर को यौन दुर्व्यवहार और यौन शोषण के खिलाफ बच्चों के संरक्षण पर यूरोपीय दिवस मनाया जाता है। संत पिता ने इटली के वेनेतोवा क्षेत्र में संघर्षरत कारखानों में श्रमिकों के प्रति अपनी निकटता भी व्यक्त की। संत पिता फ्रांसिस ने बुधवार आम दर्शन समारोह के दौरान दुर्व्यवहार पीड़ितों के लिए राष्ट्रीय प्रार्थना दिवस को याद करते हुए उन लोगों के विशिष्ट कार्य पर जोर दिया जो शैक्षिक संदर्भों में युवा लोगों के साथ काम करते हैं, जहां अनेक तरह के दुर्व्यवहार अक्सर पंजीकृत होते हैं। इथियोपियाई अधिकारियों ने कुछ सेल्सियन मिशनरी को रिहा किया। सेल्सियन मिशनरी धर्म संघ के पुरोहित ब्रदर और लोक धर्मियों के एक समूह को सरकारी बलों द्वारा 10 दिन पहले गिरफ्तार और हिरासत में लिया गया था। कुछ को रिहा कर दिया गया और कई अन्य अभी भी हिरासत में है। इथियोपियाई पुलिस द्वारा 14 लोगों को अभी भी हिरासत में रखा गया है, जिसमें सेल्सियन पुरोहित, धर्म बंधु, लोक धर्मी कर्मचारी शामिल है। हाल ही में घोषित आपातकालीन की स्थिति के बीच इथियोपिया अधिकारियों ने उन लोगों पर कार्रवाई शुरू कर दी है जो सरकार के अनुसार विद्रोही टाइग्रे बलों के समर्थक है। गिरफ्तार हुए लोगों में सेल्सियन मिशनरी, साथ ही 72 मानवीय सहायक ट्रक ड्राइवर और 16 अन्य संयुक्त राष्ट्र मानवीय कर्मचारी शामिल है। बुर्किना फासो में चरमपंथी हमलों में कम से कम 20 लोग मारे गए। बुर्किना फासो के सरकारी अधिकारियों ने सोम प्रांत में हमले की निंदा की है, जिसमें 19 पुलिसकर्मी और एक नागरिक की मौत हुई है। अधिकारियों ने कहा कि उत्तरी बुर्किना फासो में रविवार को एक हमले में बंदूकधारियों ने कुल 19 पुलिसकर्मियों और एक नागरिक को मार डाला। हमला सोम प्रांत के माली की सीमा के निकट हुआ, जहाँ सालों से सशस्त्र दलों के बीच संघर्ष जारी है। SCS ने 5 मिलियन यूरो की परियोजना को मंजूरी दी। परम धर्म पीठीय फाउंडेशन एड टू द चर्च इन नीड ने 5 मिलियन यूरो जमा करने का एक अभियान जारी किया है, ताकि सीरिया एवं लेबान में अनुमोदन प्राप्त परियोजना को आगे बढ़ाया जा सके। परम धर्म पीठीय फाउंडेशन एड टू द चर्च इन नीड ने इस कार्य का उद्देश्य हमेशा की तरह स्थानीय ख्रिस्ती समुदाय की मदद करना है, जिसकी स्थिति बदतर है। सीरिया में लंबे समय तक चले युद्ध और लेबान में बेरूत के बंदरगाह पर 2020 में हुए रासायनिक विस्फोट के कारण गंभीर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक संकट के साथ ही साथ विभिन्न जाति और धार्मिक समूहों के बीच तनाव भी शुरू होने के कारण
क्रिस्ती अपनी मातृभूमि छोड़ने के लिए मजबूर है, जो पहले से ही प्रवासी रह चुके हैं। गुड़गांव में गुरुद्वारे ने मुसलमानों को नमाज के लिए अपना द्वार खोला। गुड़गांव में खुले में नमाज अदा करने के मामले में लगातार बढ़ती राजनीति और विवाद के बीच गुरुद्वारे के एक स्थानीय संघ ने नमाज के लिए अपने गुरुद्वारे खोलने की घोषणा की है। पिछले कुछ हफ्ते के कुछ दक्षिणपंथी संगठनों और कुछ स्थानीय लोगों के विरोध के कारण शुक्रवार की नमाज के लिए पहले जिन जगहों पर अनुमति थी उनमें से अधिकांश के लिए अनुमति रद्द कर दी गई है। ऐसे में स्थानीय गुरुद्वारे संघ ने घोषणा की है कि वे शुक्रवार की नमाज गुरुद्वारे में करने की अनुमति देंगे। समिति का कहना है कि वे प्रशासन से अनुमति मांगेंगे कि मुसलमानों को गुरुद्वारे में नमाज अदा करने की अनुमति दी जाए। समिति के एक सदस्य हैरी सिंधु ने कहा, यह काफी दुखद है कि मुसलमानों के खुले में नमाज अदा करने का विरोध किया जा रहा है। डॉन बोस्को के सेल्सियंस ने युवा से आशा के बारे में लघु फिल्में बनाने के लिए कहा। इस सप्ताह एक नए अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का प्रीमियर होगा जिसमें 116 देशों के युवा लोगों के विजेता प्रस्तुतिकरण शामिल होंगे। दिसंबर 2020 में कोविड-19 महामारी की ऊंचाइयों पर पहले वार्षिक डॉन बोस्को ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल को मूड बाय होप विषय पर 1686 लघु फिल्म प्रस्तुतियां मिली। एक अंतरराष्ट्रीय जूरी द्वारा चुनी गई सर्वश्रेष्ठ फिल्मों को 18 से 19 नवंबर को ऑनलाइन और 135 विभिन्न देशों में भौतिक समारोह में स्ट्रीम किया जाएगा। झाबुआ के आदिवासी ईसाइयों पर आस्था छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। मध्य भारतीय राज्य मध्य प्रदेश में आदिवासी ईसाइयों का कहना है कि हिंदू कार्यकर्ताओं के बढ़ते दबाव के कारण उन पर अपना विश्वास छोड़ने का दबाव बढ़ रहा है। आदिवासी बहुलक झाबुआ जिले के कैथलिक पैटर गणावा ने कहा, हमारे लोगों को ईसाई धर्म छोड़ने और हिंदू धर्म में शामिल होने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा, हिंदू कार्यकर्ता और संगठन ईसाइयों पर दबाव बनाने के लिए गांवों में विशेष अभियान चला रहे हैं, जो चिंता का विषय है। उन्होंने 16 नवंबर को बताया कि जिले में ईसाइयों के खिलाफ प्रचार किया जा रहा है। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरिटास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RBA मोबाइल ऐप। RBA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़ें और एशियाई ईसाइयत की आवाज का हिस्सा बनें। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RBA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।